नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव। और इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जो कि बल्लभगढ़ में स्थित है, वहाँ पर एक बुजुर्ग की जो है वो घर में डेड बॉडी मिली है। हत्या की आशंका जो है वो बताई जा रही है। निकाल दो उसको, आईडी का निकाल लगा लगाया तो मैं ऐसे तो निकाल दी, चला जा। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि देखिए परिवार का जो है वो रो रो करके बुरा हाल है। और कहीं ना कहीं परिवार जो है वो ये आशंका जता रहे हैं कि इनकी बहू जो है वो या घर में से ही किसी ने जो है वो इस हत्या का अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जो है वो तफ्तीश कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के रो रो के परिजनों का बुरा हाल है। इसी मकान के अंदर जो है परिजनों का जो है वो रो रो करके बुरा हाल है। और परिजनों में आरोप है कि घर में ही बहुत देर रात इस बुजुर्ग की जो है वो हत्या हो गई है। और कहीं ना कहीं देखिए इस माहौल में जो है आप देख सकते हैं कि परिजनों का किस तरीके का रो रो करके जो है वो बुरा हाल है। और परिवारजन जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जो है वो तफ्तीश में जुटी है। फॉरेंसिक टीमें जो है वो उस पूरे मामले की जांच कर रही हैं फिलहाल, या फिर किसने जो है वो इस युवक की, इस बुजुर्ग की जो है वो हत्या करी है। एक बार इंचार्ज साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, क्या क्या सूचना, क्या सूचना मिली है सर? कोई मैटर वो ऐसा है कि भाई कोई आदमी की डेथ हो गई है, तो मौके पाए हैं, क्राइम टीम बुलाई है और अभी भी हॉस्पिटल में होगी, डेड बॉडी जांच कर रहे हैं जैसे भी होगा। कितनी उम्र थी मृतक? 56 साल। 56 साल, क्या किस तरीके से मर्डर है या क्या? अभी जांच कर रहे हैं, देखते हैं। कुछ बताया परिवार वालों ने? अभी बता रहे हैं, बताएंगे। हालांकि पुलिस अभी जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस तरीके से भी परिजन जो है वो बयान देंगे उसके आधार पर जो है वो कार्रवाई की बात जो है वो पुलिस के द्वारा कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे मामले की जो है वो फॉरेंसिक टीमें जो है वो जांच कर रही हैं। Thank you.
ये आपको बता दें कि जो दर्शक अभी जुड़े हैं पंजाब केसरी के साथ, ये एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है जो कि बल्लभगढ़ बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे पड़ती है, और वहीं का ये पूरा वाक्य है जहां पर कि एक युवा लगभग जो बुजुर्ग हैं 56 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी जो है वो गला घोट कर हत्या कर दी गई। और हालांकि जो इनकी बेटे की बहू है वो घर से फरार बताई जा रही है, लेकिन पुलिस फिलहाल अभी तमाम पहलुओं पर जो है वो जांच कर रही है कि आखिर किसने इस बुजुर्ग की जो है वो हत्या करी और किन कारणों के चलते जो है वो बुजुर्ग की हत्या हुई। देख सकते हैं आप परिजनों का जो है वो रो रो करके बुरा हाल। मृतक है उनका नाम भरत सिंह बताया जा रहा है और उनकी उम्र जो है वो 56 साल की बताई जा रही है। देखिए पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जो है वो तमाम पहलुओं की जो है वो जांच कर रहे हैं। बहू कल तक यहीं थी जी। जी बिल्कुल आप देख पा रहे हैं इस समय हम खड़े हुए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जहां पर के जो एक 56 वर्षीय बुजुर्ग के जो है वो गला घोट कर हत्या कर दी। और ये देख सकते हैं आप, और इसमें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो संलिप्तता है वो इनकी बहू यानी कि पुत्र वधु की जो है वो बताई जा रही है। इनके बेटे का भी जो है वो एक वर्ष पहले देहांत हो चुका था। ये
दृश्य हमने आपको दिखाया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का बल्लभगढ़ के समीप है, जहां पर कि फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन संभावना जो है वो बताई जा रही है। परिजन जिस तरीके से बता रहे हैं कि देर रात से इनकी पुत्र वधु भी जो है वो घर से फरार है, और इसके बावजूद सुबह जब इन्होंने देखा तो ये भरत सिंह जो इनके पिताजी हैं उनकी मृत अवस्था में जो है वो शव मिला, यहाँ पे गला घोट करके उसकी हत्या की गई, और तमाम पहलुओं की जो है वो पुलिस फिलहाल बारीकी से जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके।